हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? तो चलिए भाई, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से फटाफट से आप सभी लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है? एक मिनट के बाद हम क्लास को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। और अनअकैडमी पर भी 14 जुलाई से भी कई सारे बैच स्टार्ट हो रहे हैं। 7 जुलाई से हो चुके हैं, अभी तक आपने एनरोल नहीं किया तो कर लीजिएगा। बेस्ट प्लेटफॉर्म रहेगा भाई SSC एंड रेलवे के लिए। अभी फिलहाल में अगर हम बात करें तो काफी सारी चीजें आपको देखने को यहाँ पर मिलने वाली है, ठीक है? एक कम्प्लीट CAT एग्जाम के लिए आपका जो है 14 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है एक अलग बैच। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इसमें जुड़ सकते हैं, ठीक है? साथ ही संकल्प बैच भी आपका स्टार्ट किया जा रहा है SSC CGL की दृष्टि से। ज्वाइन कर सकते हैं अभी अनअकैडमी प्लस को। आप करना कुछ नहीं, अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, नहीं किया तो फ्री सेशन भी चलते, वो भी आप ज्वाइन कर पाएंगे। और प्राइस भी इसकी थोड़ी बढ़ने वाली है जुलाई के इस मंथ में, तो अभी आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा जुलाई ऑफर चल रहा है अभी SSC का आपका। यहाँ पर अगर आप एक ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 6 मंथ का एडिशनल आपको जो है बेनिफिट मिल जाएगा, यानी कि एक ईयर में आपका भी 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको मिलने वाला है यहाँ पर मात्र 5,850 में। तो करना क्या है आप लोगों को भाई, SP स्टडी कोड का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा स्कॉलरशिप टेस्ट चलता है, इसको भी आप जो है एवरी संडे ज्वाइन किया करें, ठीक है? तो अनअकैडमी प्लस पर आपको जाना है और इस कोड का इस्तेमाल करिएगा। किसी भी सब्सक्रिप्शन, किसी भी बैच का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं किसी भी कैटेगरी में, ठीक है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं भाई आज का सेशन। सेशन को एक बार लाइक एंड शेयर कर दें सभी लोग, जितने भी लोग जुड़ चुके हैं फटाफट से, उसके बाद हम जो है आगे बढ़ेंगे। चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, फटाफट से आप लोग जुड़ जाएं। एक मिनट के बाद हम सेशन को यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं और इस कोड का इस्तेमाल करके आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। प्राइस थोड़ी सी बढ़ने वाली है जुलाई के माह में, तो उससे पहले ही आप ले सकते हैं। लगभग 7,000 के आसपास पड़ेगा आपको SSC का सब्सक्रिप्शन 2 ईयर का, ठीक है? उसमें एडिशनल भी आपको मिलने वाला है, तो अभी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी ऑफर चल रहा है, उसके बाद ऑफर चले जाता है, फिर आप लोग सोचते हैं वापस से हमें मिल जाए वो ऑफर, ठीक है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। आ जाइए सभी लोग, सेशन को लाइक एंड शेयर करते हैं आप सभी, उसके बाद हम जो है आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एग्जाम में पूछा गया है रेलवे ग्रुप डी के में। जब तक इसका आंसर दे रहे हैं आप, बाकी लोग जुड़ रहे हैं, आप लोग आंसर दीजिएगा पहले क्वेश्चन का। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है कि 1937 में चेन्नई में आपका जो है मुत्तैया चिदम्बरम जी के द्वारा किस बैंक की स्थापना की गई थी, वो आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन आपका रेलवे ग्रुप डी 2018 में आया हुआ है। तो करेंगे सभी लोग राइट, आंसर इसका हमारा क्या बनने वाला है, ठीक है? चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग, जुड़ते जाएं, सेशन को शेयर करते रहें अपने दोस्तों के साथ, जिससे और लोग भी जुड़ सकें। नोटिफिकेशन का इशू थोड़ा सा जो है आ जाता है, जिससे जो है जुड़ नहीं पाते सभी लोग। चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। चलिए आंसर करेंगे आप लोग भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो याद रखिएगा, यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका जो ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन बी पर। इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना 1937 में की जाती है चेन्नई में। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन परीक्षा में आपका बनता है, रिफ्रेश कर लीजिएगा। कुछ लोग जो है आपका सेशन स्टार्ट हो चुका है। चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग प्रतीक्षा, दीप, मनोज एंड सागर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। तो देखिए, एक झील के बारे में बात कर रहा है क्वेश्चन आपसे, और एग्जाम में क्वेश्चन आपका देखने को मिलता है क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, ठीक है? सास्ताम कोटा झील की बात की जा रही है आपसे कि आखिर आपका ये किस राज्य में है, हमारे किस भारतीय राज्य में ये स्थित है, ठीक है? बताइएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है, सभी आंसर देंगे उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, और आज थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, क्लास थोड़ी सी लेट हुई, इस वजह से जो है जुड़े हुए लोग भी वापस चले गए, क्योंकि नोटिफिकेशन तो ज्यादा नहीं है, ज्यादा सेशन होते हैं एक ही चैनल पर, तो उसके बाद क्या होता है नोटिफिकेशन जाना जो है बंद हो जाता है, एक सेशन का जाता है बाकी का नहीं जाता। तो भाई यहाँ पर इस झील की अगर हम बात करें तो केरला में है। कहाँ पर है झील? केरला में है। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन रहेगा आपका ये, सास्ताम कोटा जो झील है आपकी, ये लेक कहां पर है? केरला में है, ठीक है? ये क्वेश्चन बनता है आपका एग्जाम में। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। अभी कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे हम। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे आप सभी, जितने भी लोग जुड़ गए हैं सेशन को शेयर कर दीजिएगा एक बार जल्दी से, और लोग भी जुड़ जाए। चलिए, तो भाई 3 आप लोगों से कहता है कि अप्रैल 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 जून को कौन सा दिवस जो है घोषित किया, कि 3 जून को जो है प्रतिवर्ष हम कौन सा दिवस मनाते हैं इनमें से, दीजिएगा आंसर।
चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर आपका जो 3 है, इसका राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या बनेगा? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा वर्ल्ड बाइसाइकल डे, यानी कि आपका साइकिल दिवस के रूप में घोषित किया जाता है 3 जून को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। ठीक है, 2018 में घोषित किया था भाई कि 3 जून को हम प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाएंगे, तो भाई वो साइकिल दिवस हो जाएगा। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 4 दिया है, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होगा भाई, इनमें से वो आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया है 4। ठीक है, 4 का आंसर करेंगे आप सभी। अब 4 का हमारा सही आंसर जो है क्या बनने वाला है? देखिए भाई, 4 कहता है आपसे ब्रह्मांड की बात की जा रही है यहां पर, आपसे पृथ्वी कृष्ण की बात नहीं की, कई बार वो कुछ भूमि चीज भी पूछी जाती है आपकी, तो यहां पर हमारा आंसर क्या बनेगा? देखिए, ब्रह्मांड की बात की जाती है, क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया आपका, कई बार ये क्वेश्चन आता है कि ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर यानी कि अधिक मात्रा में आपका कौन सा देखने को मिलेगा, तो हाइड्रोजन मिलेगा, उसके बाद आपका हीलियम। ठीक है, तो हाइड्रोजन हीलियम आपका काफी ज्यादा मात्रा में ये पाए जाते हैं, सो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कई अन्य ग्रह हैं उन पर भी हमको हाइड्रोजन जो है देखने को मिलता है। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि जो पृथ्वी है, अर्थ है, उसके क्रस्ट में, अर्थ के क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होगा आपका, तो वहां हमको ऑक्सीजन याद रखना है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अर्थ के क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन, ये पूछा जाता है बहुत। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। पेंडुलम जो होता है आपका, एक घड़ी का पेंडुलम मान सकते हैं यहां पर, उसका काल जो है आपका किस पर निर्भर करता है? चारों में से आंसर दीजिएगा भाई। रेलवे का आए वो क्वेश्चन है, रिपीट भी हुआ है कई बार आपका ये वाला क्वेश्चन पेंडुलम से रिलेटेड। मान लीजिए घड़ी का कोई पेंडुलम है यहां पर, तो आपसे पूछा जा रहा है यहां पर अगर इसका काल जो रहेगा किस पर डिपेंड रहेगा वो आपको बताना है। चलिए बिल्कुल भाई, किस पर रहेगा? लंबाई पर रहेगा। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, हम ऑप्शन ए देते हैं, द्रव्यमान पर नहीं रहेगा, लंबाई पर रहेगा। जितना आपका इसकी लंबाई ज्यादा होगी, उतना ही उसे आपका जो है समय ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर बी करेक्ट होता है इस क्वेश्चन का। किस पर निर्भर होगा? लंबाई पर होगा। हमेशा ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि पेंडुलम का काल जो है किस पर निर्भर करता है, तो लेंथ पर करता है भाई। ठीक है, किस पे? लेंथ पे। तो याद रखिएगा, आगे से इस क्वेश्चन को बनता है एग्जाम में, वाला क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, संसद के दोनों सत्र जो होते हैं उनके बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? मैक्सिमम अंतराल की बात की जा रही है, आंसर दीजिएगा। सेशन को लाइक करते रहे सभी लोग, इससे और लोग भी जुड़ जाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे भाई आप लोग, 6 का आंसर हमारा क्या बनेगा? बिल्कुल, कितने लोगों का आ रहा है यहां पर? ऑप्शन आपका जो सी दिया गया है, करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा यहां पर? 6 मंथ, यानी कि ऑप्शन जो सी दिया गया बिल्कुल इसी आंसर हो जाएगा। संसद के दोनों सत्रों के मध्य अगर बात करें तो अधिकतम 6 महीने का जो है अंतराल हो सकता है। एक वर्ष में 2 सत्र तो आपके होते ही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपका इसी प्रकार का, अगर हम बात करें कि भी किसी भी राज्य में अगर आपका यहाँ पर अगर हम बात करें राष्ट्रपति शासन लगता है, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है, तो अधिकतम कितने वर्षों तक उसको बढ़ाया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन की अधिकतम सीमा पूछी जाती है आप लोगों से, और हम पढ़ चुके हैं इसको, एक बार बताएं आप लोग कमेंट में कि राष्ट्रपति शासन जो होता है, प्रेसिडेंट रूल जो होता है आपका, अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है उसको, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, फटाफट बताएंगे आप लोग। तो देखिए, जो प्रेसिडेंट रूल होता है किसी भी राज्य में आपका जो आपातकाल घोषित कर दिया जाता है आर्टिकल 356 के द्वारा, तो वहां पर प्रेसिडेंट के द्वारा जो है राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, वो शासन करता है। तो अधिकतम अगर देखें तो उसका 3 वर्ष तक जो है किसी भी राज्य में राज्यपाल शासन लगा रह सकता है, उसके बाद नहीं। लेकिन एक शर्त होती है उसमें, क्या? कि एवरी 6 मंथ, प्रत्येक 6 महीने में संसद से मंजूरी लेना आवश्यक होता है। उसमें क्या आवश्यक होता है? संसद से मंजूरी लेना। ये क्वेश्चन एग्जाम में हमें देखने को मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया आपसे UNHCR जो है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, तो भाई इसका हेडक्वार्टर कहां पर है वो आप लोगों को बताना है, यहां पर दीजिएगा उत्तर कहां पर होगा हेडक्वार्टर इसका।
देखिए UNHCR की बात की जा रही है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। वर्ष 1950 में तो इसकी स्थापना होती है, स्थापना की भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। स्थापना होती है भाई इसकी 1950 में, ठीक है। दूसरी बात करें यहाँ पर आपका UNHCR जो है आपका यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी जो है, यूएन रिफ्यूजी एजेंसी भी कहा जाता है इसको। तो इसका हेडक्वार्टर भाई जिनेवा में है। कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? जिनेवा में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत देखने को मिलते हैं हमें, जो ऐसी कुछ संस्था है जिनका हम हेडक्वार्टर पर जो है ध्यान नहीं देते, WHO वगैरह WTO सभी का हमको पता रहता है, लेकिन ऐसी चीजें पूछ ली जाती हैं, ठीक है। तो कहां पर है भाई इसका हेडक्वार्टर आपका? तो याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा जिनेवा में। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। अब 8 का आंसर करेंगे सभी लोग। रानीगंज एक कोयला क्षेत्र, भी काफी पुराना कोयला क्षेत्र है, जब ब्रिटिश शासन रहा था उससे भी अगर हम बात करें उस समय का भी, पहले का भी आपका रहेगा रानीगंज कोयला क्षेत्र। इसके देखें 1774 में इसको अपन कहता है ब्रिटिश काल के दौरान इस क्षेत्र को। तो रानीगंज कोयला क्षेत्र काफी पुराना है, प्रसिद्ध है। ये किस राज्य में है? बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। कहां पर है रानीगंज कोयला क्षेत्र? बताइएगा भाई सभी लोग आंसर। एक बार सेशन को लाइक कर दें जितने लोग जुड़े हैं यहाँ पर अभी, ठीक है। जितने लोग जुड़े हैं फटाफट से लाइक बटन को दबा दें आप लोग, जिससे और लोग भी जुड़ सके। तो भाई क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या कहला रहा, क्या होगा आपका? रानीगंज कोयला क्षेत्र जो 1774 में इसको ओपन किया जाता है। कब किया जाता है? 1774 में इसको ओपन किया जाता है। इसका खनन स्टार्ट होता है यहाँ पर, वेस्ट बंगाल में स्थित है ये। और एक बार नहीं कई बार एग्जाम में क्वेश्चन हमें देखने को मिला है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप उठाकर देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको काफी बार देखने को मिलता है कि रानीगंज कोल फील्ड जो है किस राज्य में है, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल में हो जाएगा भैया। अब देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, गिद्धा की बात की जा रही है। सारे क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए अभी तक, जो ज्यादातर क्वेश्चन आप करेंगे रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा से लिए गए हैं, क्योंकि वहां से रिलेटेड क्वेश्चन हमें आपको जो है समझ में आएगा किस प्रकार की चीजें आती हैं। तो गिद्धा जो है एक नृत्य का रूप है, पूछा जा रहा है किस राज्य से संबंधित है? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या हरियाणा। उम्मीद है सभी का इस क्वेश्चन का आंसर सही आएगा, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। पंजाब के दो फेमस रहेंगे आपकी, जैसे कि एक तो गिद्धा हो गया, दूसरा आपका भांगड़ा है। और ये पंजाब भारत का ही नहीं, पाकिस्तान का भी जो पंजाब क्षेत्र है वहां पर भी आपका गिद्धा देखने को मिलता है, वहां का भी एक नृत्य के रूप में आपका जाना जाता है। तो पूछ लिया था कई बार आपका भारत और पाकिस्तान के पंजाब का कौन सा एक नृत्य का रूप है, ठीक है। इस प्रकार भी हो सकता है एग्जाम में आ जाए आपको, तो याद रखिए गिद्धा हो जाएगा। एक भांगड़ा है वो तो सभी को पता है अभी, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा भाई। चलिए अच्छा, वर्तमान सीएम कौन है पंजाब की अगर हम बात करें? सीएम जो है पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, जो कि आपका पटियाला के आखिरी जो महाराजे थे उनके पुत्र हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 10। पीतल जो है किसकी मिश्र धातु है? किन धातुओं से मिलकर आपका मिश्र धातु बनती है पीतल? बताइए आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीन पर फटाफट से आंसर दीजिएगा। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 10 कहता है पीतल किसकी मिश्र धातु है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। थोड़ा सा क्वेश्चन को देखिए, इजीली आंसर दे पाएंगे, कुछ है नहीं क्वेश्चन में ज्यादा। तो जो आपकी पीतल होती है, अगर हम पीतल की बात करेंगे तो याद कैसे रखेंगे भाई इसको, याद कैसे रखेंगे कि पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो हम एक ही चीज याद रखेंगे यहाँ पर, छोटा सा वर्ड है पिताजी, पिताजी से हम पीतल याद रखेंगे। पी से हो गया हमारा पीतल, ता से हो गया तांबा, ठीक है। इसको आप अपने हिसाब से लिखकर नोट कर लीजिएगा। और जी से हो जाएगा आपका यहाँ पर जिंक। तो तांबा और जिंक से मिलकर क्या बनता है भैया आपका? पीतल बनता है। तो कॉपर एंड जिंक जो ऑप्शन सी पर दिया गया है हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, ठीक है, जो ऑप्शन सी पर दिया गया है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सभी का। सागर, दीप, कंचन, कुलदीप, अभिषेक, सी ऑप्शन अगर आप लोगों का आ रहा है बिल्कुल सी आंसर होगा, ठीक है। एक गलत हो जाएगा, मोहित एंड कुलदीप, सी करेक्ट होगा, ठीक है, कॉपर एंड जिंक। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 दिया है। 9 दिवसीय त्यौहार है आपका ब्रह्मोत्सव के नाम से जानते हैं, भारत के किस राज्य में मनाया था? काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग चाहे तो इसको नोट कर लीजिएगा भाई। दीजिए आंसर। चलिए तो क्या आ रहा है आप लोगों का आंसर? बिल्कुल भैया आंध्र प्रदेश, जितने भी लोगों का आंसर आ रहा है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, जो ऑप्शन बी पर आपका दिया गया है आंध्र प्रदेश हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा।
बिल्कुल। चलिए तो आंध्र प्रदेश में आपका जो तिरुमाला तिरुपति जो मंदिर है वहां का सबसे प्रसिद्ध एक त्योहार है आपका ये, ठीक है, 9 दिवसीय है ये ब्रह्मोत्सव, इसका जो है नाम रहेगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर आपका 12 इंपॉर्टेंट है काफी, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है, 214 से आर्टिकल जो आपका दिया गया है किससे संबंधित है, 214 से 31 तक, बताइए आंसर। चलिए सभी आंसर देंगे भी फटाफट से, ठीक क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या बनेगा। और सेशन को भाई लाइक करते जाएं आप लोग फटाफट से, जितने भी लोग जुड़े हैं, जिससे और लोग भी जुड़ते हैं सेशन उनको रिकमेंड होता है, फटाफट से कर दीजिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, इसका आंसर क्या होगा। देखिए भाई 12 का कह रहा है आप लोगों से, 214 से 231 तक जो हमारे आर्टिकल दिए गए हैं भाग 6 के अंतर्गत आपके आते हैं, तो याद रखिएगा राइट आंसर होगा आपका उच्च न्यायालय, कौन सा हो जाएगा हमारा यहाँ पर हाई कोर्ट, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। किससे संबंधित है, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो आपके आर्टिकल रहेंगे मुख्यतः आपका 129 है, 131, 32, 33, 34, 35, ये मुख्यतः संबंधित किससे हैं, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित हैं, ठीक है। कैग से संबंधित कौन से आर्टिकल हैं, अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है हमें कि भाई कैग से संबंधित कौन से आर्टिकल होंगे, ठीक है, तो याद रखिएगा कैग से संबंधित आर्टिकल आपके 148 से 151 है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलता है, 148 के द्वारा प्रश्न के द्वारा नियुक्ति की जाती है। वर्तमान में हमारे भारत के कैग कौन है, जल्दी से आप लोग कमेंट बताएंगे, ठीक है, वर्तमान में कैग के पद पर कौन है एक बार आप लोग कमेंट में बताएंगे, जो कि 2020 में अपना पद संभालते हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 13। अब काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछा जा रहा है, बात करेंगे इसके बारे में अभी। ये जो शुंग काल आपका रहा था उसके दौरान सबसे प्रसिद्ध स्मारक कौन सा रहा था इनमें से, शुंग काल की बात आपसे की जा रही है, बिल्कुल सागर द्वीप करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। तो शुंग काल जो है उसका सबसे प्रसिद्ध स्मारक कौन सा रहा है इनमें से, दीजिएगा आंसर फटाफट से, क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर दिया है 13। चलिए क्या आ रहा है आप लोगों का आंसर यहां पर, बिल्कुल भाई, तो क्वेश्चन नंबर आपका 13 का आंसर हमारा बनेगा भरहूत का स्तूप, जो ऑप्शन सी पर आपका दिया गया है, ठीक है। तो भाई जो भरहूत का स्तूप है आखिर है कहां पर, तो ये होगा हमारे कहां पर, मध्य प्रदेश की सतना डिस्ट्रिक्ट में आता है। इसका निर्माण की शुरुआत की बात करेंगे, शुरुआती निर्माण जो है सम्राट अशोक जो रहे हैं उनके द्वारा करवाया था, लेकिन बाद में कंप्लीट इसमें काम करवाता है। तो बात करें शुंग काल के दौरान होता है, ठीक है, मौर्य साम्राज्य का अंत करके शुंग जो पुष्यमित्र शुंग था आपका शुंग वंश की नींव रखता है, बृहदत्त जो होता है मौर्य वंश का अंतिम शासक उसकी हत्या कर देता है, अभी कौन, पुष्यमित्र शुंग, और जो है शुंग वंश की स्थापना करता है, ठीक है। तो भरूत का स्तूप उससे संबंधित है, सांची के स्तूप को भी तोड़वाता है भाई आपका पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, सांची के स्तूप को भी तोड़वाता है, बिल्कुल एमपी के सतना डिस्ट्रिक्ट में रहेगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, दिल्ली सरकार के राष्ट्रीय क्षेत्र अधिनियम 2021 के अनुसार, इसमें एक संशोधन होता है अभी आपका, तो विधानसभा द्वारा पारित किसी भी कानून में निर्दिष्ट सरकार शब्द का अर्थ क्या होगा। विधानसभा के द्वारा अगर कोई भी कानून पारित किया जाता है तो वहां पर अगर सरकार जो शब्द होगा उसका इस्तेमाल होगा तो भाई वो किसके लिए होगा, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, प्राइम मिनिस्टर, भारत के राष्ट्रपति या लेफ्टिनेंट गवर्नर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलो जी वेरी गुड मॉर्निंग, तो 14 करेंगे आप लोग, अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट करके जरूर रखेंगे आप सभी, ठीक है। तो भाई आपका 1991 का जो अधिनियम रहा था उसमें संशोधन होता है अभी आपका 2021 में, तो इसके अनुसार विधानसभा द्वारा पारित किसी भी कानून में निर्दिष्ट सरकार शब्द होगा उसका अर्थ होगा किससे, बताइए आंसर, 14 का आंसर करेंगे आप सभी। अब देखिए यहां पर हमारा आंसर बनेगा लेफ्टिनेंट गवर्नर, यानी कि उपराज्यपाल। तो कौन है अभी वर्तमान में आपके उपराज्यपाल दिल्ली के, ये तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है, उपराज्यपाल कौन है वर्तमान में अगर हम बात करें दिल्ली के, फटाफट आप लोग कमेंट में बताएंगे कौन है उपराज्यपाल। तो यहां पर आपका एक संशोधन होता है 28 मार्च 2021 को पारित किया जाता है भारत सरकार के द्वारा, कि दिल्ली सरकार के द्वारा जो आपका विधानसभा में पारित कोई भी अधिनियम होगा तो वहां पर आपका क्या होगा, सरकार शब्द का अर्थ होगा उपराज्यपाल, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991 में को संशोधित करता है ये, और उपराज्यपाल की बात हम कर रहे थे भाई,
इसकी उपराज्यपाल की। तो कौन है दिल्ली के उपराज्यपाल वर्ष 2016 से पद पर हैं आपके अनिल बैजल जी। लेकिन क्वेश्चन यहीं पर नहीं रुकता भाई, उपराज्यपाल से रिलेटेड एक और पूछा जाता है कि भाई दिल्ली के पहले एलजी कौन थे। क्या पूछा जाता है आपसे भाई, जो दिल्ली है वहां के पहले एलजी कौन होते हैं। तो याद रखिएगा आदित्यनाथ झा। क्या नाम है याद रखना है हमको, आदित्यनाथ झा जो है आपका दिल्ली के पहले एलजी बनते हैं। ठीक है, 1966 से 72 तक इसके मध्य रहते हैं आपके वो। ठीक है, याद रखिएगा, जैसे 5 ईयर का आपका इनका टर्म होता है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है 15, आंसर करिएगा। चलिए शैलू जी, मंगू भाई छगन भाई जो है एमपी के राज्यपाल बने हैं। ठीक है, दिल्ली से उनका कोई संबंध नहीं इस प्रकार का उपराज्यपाल से रिलेटेड। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे आप सभी। क्या होगा आंसर 15 का, फटाफट से आंसर देंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है इससे रिलेटेड, कि एशियाई ओलंपिक परिषद ने वर्ष 2022 का जो एशियाई खेल होने वाले हैं कहां होने वाले, पहले तो वही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हम पढ़ चुके हैं, किस खेल को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। तीरंदाजी, क्रिकेट, मुक्केबाजी या गेंदबाजी, बताएंगे भाई 15 का आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जितेंद्र जी, वेरी गुड मॉर्निंग। तो देखिए यहां पर आपसे पूछा गया है, एशियाई ओलंपिक परिषद की बात की जा रही है, 2022 में एशियाई खेल होने वाले हैं, एशियाई गेम्स होने वाले हैं हमारे। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा हमारा क्रिकेट। क्रिकेट को पहली बार वर्ष 2010 में एशियाई खेलों में शामिल किया जाता है और बांग्लादेश इसमें जो है आपका स्वर्ण पदक जीतता है। फिर 2014 में किया था, लेकिन 2018 में इसको हटा दिया जाता है। 2018 में क्या होता है, एशियाई खेलों से इसको हटा दिया था। भारत ने अभी भी इसमें भाग नहीं लिया, ना ही 2010 में लिया था, ना ही 2014 में लिया। 2014 में श्रीलंका जीती है। ठीक है, तो 2010 और 14 में भारत ने इसमें भाग नहीं लिया है, लेकिन याद रखना है हमको यहाँ पर 2018 में नहीं हुआ था क्रिकेट शामिल, अब 2022 में फिर से आपका जो है क्रिकेट को शामिल किया जाएगा। हो सकता है इस बार भारत बिल्कुल इसमें भाग ले। ठीक है, तो याद रखिएगा राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। 2010 में जब पहली बार शामिल किया था तो बांग्लादेश जीतता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और हम पढ़ चुके हैं, एग्जाम में भी कई बार आया है। जब हम ठंडे या भयभीत होते हैं तो हमारी त्वचा पर बाल सीधे करने, जिनको हम रोंगटे बोलते हैं, भी आपका गुदगुदा कौन सी मांसपेशी संकुचित होती है, उसके कारण ये स्थिति जो हमें देखने को मिलती है। बिल्कुल होंगचोई चीन में आपके होने वाले हैं 2022 के, 2010 के भी वहीं पर हुए थे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है आप लोगों के, 16 का आंसर करेंगे सभी। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 16 आपका, जब हम ठंडे या भयभीत होते हैं उस समय क्या होता है भाई, हमारे त्वचा पर बाल सीधे हो जाते हैं, तो कौन सी मांसपेशी संकुचित हो जाती है उस समय, अरेक्टर पिल्ली। ठीक है, कौन सी मांसपेशी संकुचित हो जाती है उस समय, अरेक्टर पिल्ली उसको हम कहते हैं, जिसके कारण ये स्थिति हमें देखने को मिलती है। तो भाई ऑप्शन बी जितने भी लोगों का आ रहा है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या याद रखना है हमको, अरेक्टर पिल्ली। ठीक है, तो एकदम हम भयभीत होते हैं भाई, तो एकदम हमको शॉकिंग हमको देखने को मिलता है, तो क्या बोलते हैं, एकदम अरे निकलता है अभी मुझे, इस प्रकार कनेक्ट करके रख सकते हैं इसको, अरेक्टर पिल्ली को हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे आप सभी और उम्मीद है सभी लोग इसका आंसर इजीली दे पाएंगे क्योंकि हम पढ़ चुके हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। परमाणु बम जो होता है इसका आविष्कार किसके द्वारा किया जाता है, परमाणु बम जो है इसका आविष्कार किसने किया, वो आप लोगों से पूछा जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे भाई सभी लोग। देखिए जो परमाणु बम होता है, परमाणु बम जो है इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया, कई बार पूछा जाता है। अगर कहीं पर परमाणु बम जो है आपका अगर चल जाए, ठीक है, तो क्या होगा, तो बहुत ज्यादा विनाश हो जाएगा भाई, सब कुछ ओपन हो जाएगा, सब कुछ खुल जाएगा भाई। ठीक है, तो इस प्रकार हम याद रख सकते हैं, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। ठीक है, परमाणु बम अगर कहीं पर चल जाता है, फट जाता है भाई आपका, तो क्या हो जाता है, सब कुछ ओपन हो जाएगा, किसी घर के अंदर चल गया तो सब कुछ फटफटा जाएगा। इस प्रकार थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हैं ऐसी चीजों को, क्योंकि जब भी एग्जाम में ऑप्शन ऐसे आएंगे तो कंफ्यूजन रहती है, एकदम से याद नहीं आएगा। ऐसे अगर ट्रिक के थ्रू थोड़ा सा कनेक्ट कर लेंगे इसको तो एकदम से याद आ जाएगा, बिल्कुल गलती नहीं होगी। ठीक है, ओपेनहाइमर, ये है ओपेनहाइमर जिन्होंने आपका ये विनाशकारी चीज को बनाया, फादर ऑफ एटॉमिक बम भी इनको कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, बिल्कुल हिरोशिमा जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर आपका प्रयोग किया जाता है वहीं पर। ठीक है, अभी तक उसके जो है रिजल्ट देखने को मिलते हैं। सौर कुकर में कौन सा प्रयोग किया जाता है भाई आपका, किसको प्रयोग किया जाएगा यहाँ पर, सौर कुकर में किसका प्रयोग करेंगे इन चारों में से, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस या अवतल लेंस, किस मिरर या लेंस का इस्तेमाल होगा भाई आपका सौर कुकर में।
तो भाई जिसका उपयोग होगा उसको क्या होना चाहिए यहाँ पर, उसको एकाग्रता बढ़ाए भाई एक जगह पर, तभी तो वो आपका शोर कुकर आपका गर्म होगा और अच्छे से हमें खाना पका कर देगा। तो वो काम कर सकता है भाई आपका कॉनकेव मिरर, यानी कि आपका जो है अवतल दर्पण, इसका हमारा आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है भाई किसमें, वो किया जाता है आपका शोर कुकर में। कारण इसका रहता है भाई आपका यही कि अभिसरण दर्पण होता है एक तरीके का, क्योंकि अलग अलग प्रकाश की किरणें जो आ रही है उनको एक बिंदु पर एकाग्र करता है ताकि हमारा भोजन जो है पक जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, हम देखिए ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिलता है कई बार, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है हमारा जो कि राज्यों में विधानसभाओं के गठन से संबंधित है, ठीक है, उनके गठन से रिलेटेड है, वो आपसे पूछा जा रहा है। आर्टिकल 268, 168, 210, यानी कि 210 और 148, क्या होगा आंसर, क्वेश्चन नंबर दिया है आपका 19। तो भाई 19 करेंगे फटाफट से सभी लोग। देखिए संविधान की बात की गई यहाँ पर आप लोगों से, और ऐसे आर्टिकल अक्सर एग्जाम पूछे जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे कौन किसकी बात की जा रही है आप लोगों से, विधानसभाओं के गठन की बात की जा रही है। तो आर्टिकल 168 से आपका 177 तक विधानसभा के बारे में चर्चा की गई है, तो यहाँ पर हमारा आइटेंस हो जाएगा 168, इसके द्वारा आप इसमें बताया गया है विधानमंडलों के जो है गठन के बारे में। सो ऑप्शन बी जितने भी लोगों का आ रहा है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा, बिल्कुल दीप कंचन एंड शैलू इनक्रेडिबल, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन बी जो दिया गया है आर्टिकल 168, ठीक है। चलिए 20 करेंगे आप लोग, 20 का आंसर हमारा क्या होगा, 20 कहता है कि कौन सा चावल का खाद्य भाग है, ठीक है, वो आप लोगों से पूछा जा रहा है कौन सा चावल का खाद्य भाग है, जो चावल हम खाते हैं उसका एडिबल पार्ट कौन सा है, खाते किस भाग को हम, चावल के रूप में जब हम खाते हैं तो कौन से भाग को खाते हैं, क्वेश्चन परीक्षा एग्जाम में आपका पूछा गया, परीक्षा में आता ही वाला कि चावल का खाद्य भाग कौन सा होता है भाई, बताइए आंसर। सेशन को एक बार लाइक कर दें जितने लोग नए जुड़े हैं अभी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 20 कहता है आप लोगों से कि कौन सा चावल का भाग है जिसको हम खाते हैं, एडिबल पार्ट आपसे पूछा जा रहा है, क्या होगा आंसर। तो हम भाई अंतर बीज को खाते हैं, किसको, भ्रूणकोष को खाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा एंडोस्पर्म, जो ऑप्शन आपका ए पर दिया गया है, ठीक है, एंडोस्पर्म जो है आपका ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए याद कैसे रखेंगे, जब भी आप चावल खाएं तो याद रखने के थोड़ा हम क्या खा रहे हैं, एंडोस्पर्म खा रहे हैं, चावल का कौन सा भाग एंडोस्पर्म खा रहे हैं, तो दो चार बार ऐसा आप याद करेंगे चावल खाते समय, मुझे नहीं लगता फिर बाद में आप भूल पाओगे, ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, भ्रूण गलत हो जाएगा अगर ऑप्शन आप डी देते हैं, इसका गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए जितने भी लोगों का करेक्ट हो जाएगा, एंडोस्पर्म कौन सा भाग होता है, एंडोस्पर्म। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और डिस्कशन भी कर चुके हैं हम काफी पहले इसके बारे में, तो निम्नलिखित में से कौन कारों के एयर बैग में मौजूद होता है। देखिए आप पहले की कारों में तो नहीं हुआ करता था, लेकिन अब जो कारें आपकी आती हैं अभी समय से, तो उनमें क्या होता है आपका एक एयर बैग के रूप में मौजूद होता है, जब भी कोई दुर्घटना वगैरह होती है तो वो क्या है, व्यक्ति जो बैठे हैं उनके आगे एक जो है इस प्रकार का जो है आपका एक तकिए नुमा एक संरचना का जो है आगे आ जाता है एयरबैग उनके, इससे क्या है व्यक्ति को ज्यादा चोट ना लगे, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है अभी इसमें मौजूद क्या होता है जिसके कारण ये ऐसा काम कर पाता है, बताइए आंसर। बिल्कुल, तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 21 का, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन एयर बैग ऑफ कार्स। तो याद रखिए कारों का जो आपका एयर बैग होता है इसमें सोडियम एजाइड होता है, कौन सा रसायन होता है अभी इसमें, सोडियम एजाइड होता है, ठीक है, जो ऑप्शन हमारा यहां पर बी पर दिया गया है, सोडियम एजाइड होता है इसमें, बिल्कुल, तो ऑप्शन बी याद रखिएगा। इसके अलावा ऑप्शन सी जो है इसके बारे में भी हमने चर्चा की थी, यहां पर तो हो गया सोडियम एजाइड, अगर आप कार आपकी कार में क्या होता है एयर बैग के रूप में, अगर कार में आप जो है ड्रिंक करके कार चला रहे हैं तो क्या होगा भाई आपका ब्रेथ लीजर से टेस्ट हो जाएगा, और ब्रेथ लीजर में पोटेशियम डाइक्रोमेट का इस्तेमाल होता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो क्वेश्चन पूछा जाता है भाई जब पुलिस जो है चेकिंग करती है आपकी भाई आपने ड्रिंक की हुई है या नहीं, हाईवे पर चेकिंग ऐसी होती है, तो वहां पर आपका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, किसमें, ब्रेथ लीजर जिसको कहते हैं, इससे चेकिंग होती है। तो ये दोनों ही चीज याद रखें, चाहो तो आप एक एक लाइन में दोनों को नोट करके रख लें, क्योंकि दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ऐसी चीजें अक्सर पूछी जाती हैं, ठीक है। Na(N)3 होता है सोडियम एजाइड का फॉर्मूला। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की ओर, कौन सा भारतीय राज्य भाई आपका यहाँ पर जो नेपाल और भूटान को अलग कर देता है, कौन सा भारतीय राज्य होगा, असम होगा, सिक्किम होगा, अरुणाचल प्रदेश या उत्तराखंड। चलिए 22 करेंगे आप सभी लोग, अब
अच्छा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 22, इसका आंसर दीजिएगा बिल्कुल। तो देखिए 22 का कह रहा है आप लोगों से, नेपाल और भूटान को अलग करता है वो कौन सा राज्य रहेगा। चलिए शैलू जी, अरुणाचल प्रदेश गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा आपका यहां पर। तो भी कुछ लोगों का ऑप्शन सी आ रहा है यहाँ पर, सागर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पर। सबसे पहले आंसर आता है तो सिक्किम, इसका हमारा सी आंसर होगा। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक यहाँ की राजधानी है। जैविक खेती के मामले में प्रथम राज्य हमारे भारत का यहाँ पर पूर्ण जैविक खेती के रूप में, तो सिक्किम इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार अलग करता है थोड़ी सी स्थिति देख लेते हैं हम। तो ये है इधर आपको दिख रहा है नेपाल और ये है आपका भूटान, तो बीच में कौन सा राज्य आ गया? यहाँ पर आ गया हमारा सिक्किम, जो कि नेपाल और भूटान को अलग करने का काम करता है। ठीक है, कितने देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है सिक्किम? क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कितने देशों के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है? अब आप लोग आईडी लगाकर बताइएगा कि भाई कितने देशों के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है हमारा सिक्किम, जो कि सिक्किम राज्य बनता है 36वें संवैधानिक संशोधन से 1975 में। 16 जुलाई को बनाते हैं हम आपका क्या सिक्किम दिवस। गंगटोक यहाँ की आपकी कैपिटल हो जाएगी। एक रूमटेक मठ भी है यहाँ पर, पूछा जाता है एग्जाम में सिक्किम में क्या है, रूमटेक मठ है। और यहीं पर आपका सिक्किम की अगर हम बात करेंगे तो यहीं पर है आपका कंचनजंगा। ठीक है, क्या है आपका कंचनजंगा नेशनल पार्क है, जिसको 2016 में यूनेस्को की मिश्रित साइट के रूप में घोषित किया गया था। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है लेकिन मिश्रित। ठीक है, चलिए तो भैया आपका देख किस किस से बॉर्डर से कर रहा है, नेपाल के साथ कर रहा है आपका, भूटान के साथ कर रहा है और चाइना के साथ कर रहा है। ठीक है, तो पूछ लिया जाता कई बार एक क्वेश्चन। 23 देखते हैं कितने लोग करते हैं आंसर इसका। भारत के वर्तमान सतर्कता आयुक्त तो कौन है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त तो कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या होगा उत्तर हमारे क्वेश्चन नंबर 23 का, दीजिएगा आंसर। एक बार सेशन को लाइक कर दें जितने लोग नए जुड़े हैं अभी। 23 का आंसर आपको करना है अभी। चलिए सभी आंसर दीजिएगा, सभी कमेंट देख रहा हूं, फटाफट से आंसर करेंगे इसका। तो क्या पूछा गया है, भारत के वर्तमान केंद्रीय सतर्कता आयुक्त आपसे पूछा गया है। चलिए बिल्कुल, काफी लोगों का आंसर सही आ रहा है यहां पर। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि वर्तमान केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है और इस सतर्कता आयुक्त कमिश्नर की अगर सतर्कता आयुक्त की बात करेंगे, इसकी स्थापना कब होती है, 1964 में होती है भाई। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर के बारे में। सुरेश एन पटेल इसका सी आंसर हो जाएगा भाई आपका, अभी जून में ही आपका बनते हैं ये। ठीक है, संजय कोठारी का स्थान लेते हैं, संजय कोठारी 17वें थे, ये 18वें हैं। ठीक है, ये कौन है, 18वें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं आपके सुरेश एन पटेल, जैसा कि ऑप्शन भी काफी लोगों का आ रहा है भाई। ठीक है, बिल्कुल 18वें हैं। इसके अलावा अगर आपसे मैं पूछ लूं कि भाई पहले कौन रहे होंगे, ऐसे क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में हमें देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, क्वेश्चन की संख्या पड़ जाती है उन लोगों के लिए कम, भाई इजीली से दे नहीं सकते, तो क्वेश्चन क्या होता है इस प्रकार के उठाए जाते हैं कि भाई पहले केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन रहे होंगे। तो भाई याद रखना है आपको एनएस राव। ठीक है, एनएस राव कौन थे आपके पहले सतर्कता आयुक्त रहे थे। चलिए बी आ गया है सभी लोगों का, तो आगे बढ़ते हैं। जिनका कार्यकाल रहता है 1964 से 68 तक का, एनएस राव की यहां पर सुरेशन पटेल की बात करेंगे तो भाई ये आपका जून 2021 से पद संभालते हैं अपना। 24 करिएगा बिल्कुल। अब देखिए 24 क्या कहता है आपसे, ग्लिम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किताब के लेखक कौन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ग्लिम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ग्लिम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक पूछे जा रहे हैं आप लोगों से, काफी पुरानी पुस्तक रहेगी आपकी यहां पर 1934 की। चले भाई क्या होगा राइट आंसर, भारत के पहले प्रधानमंत्री जो बनते हैं जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी करेक्ट होगा हमारा यहाँ पर। विभिन्न जेलों के बारे में कहानी बताते हैं आपका, स्थिति बताते हैं उस समय की, तो जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक में। इसके अलावा एक और पुस्तक है इनकी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पूछी जाती है वो भी। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया भाई हमारा यहाँ पर, ऑप्शन जो बी पर दिया गया बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्यादातर लोगों का ऑप्शन बी आ रहा है सभी का, तो सभी का यहाँ पर आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। दीप, इनक्रेडिबल, सागर, शैलू, अभिषेक, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखित पुस्तक आपकी रहेगी ग्लिम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री।
चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसको करेंगे आप लोग। अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला पूछी जा रही है आप लोगों से। अब देखिए यहां से भी कई बार क्वेश्चन अलग तरीके से पूछ लिया जाता है, पहले आप लोग इसका आंसर करिएगा, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे इनके बारे में थोड़ा सा, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। देखिए अशोक चक्र की अगर हम बात करेंगे, कोई पहली महिला बनती हैं इस अवार्ड को जो है आपका प्राप्त करने वाली, अशोक चक्र पाने वाली पहली कोई महिला बनती है तो बनती है नीरजा भानोट, ठीक है। अब नीरजा भानोट आपका कोई हम बात करें यहाँ पर, ना ही तो किसी आर्मी की संबंधित चीजें में रही थी, सशस्त्र बल में नहीं रही थी, ये क्या है फ्लाइट अटेंडेंट रही थी, ठीक है, फ्लाइट में थी। आपका 1986 में एक प्लेन हाईजैक किया जाता है मुंबई से न्यूयॉर्क जाने वाला, ठीक है, कुछ पाकिस्तानियों के द्वारा, तो वहां पर इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। तो 1987 में आपका सबसे इनको जो है पहली कोई महिला होती है जब इनको अशोक चक्र मिलता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन इस प्रकार पूछे, सशस्त्र बल से संबंधित कोई महिला है जिसको पहली बार अशोक चक्र मिलता है, तो वहां पर हमारा आंसर क्या होगा, तो वहां पर हमारा आंसर बनता है कमलेश कुमारी यादव। 2001 का पार्लियामेंट अटैक के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा, इसके ऊपर एक वेब सीरीज भी बनी है बहुत ही अच्छी, स्पेशल ओपीएस करके, ठीक है। तो वहां पर आपका 2001 में जब पार्लियामेंट में हमारे पर अटैक होता है तो वहां पर इनकी मृत्यु हो जाती है भाई। ये सीआरपीएफ में कांस्टेबल रही थी, कमलेश कुमारी जो है सीआरपीएफ में कांस्टेबल रही थी 2001 में, तो इनको दिया जाता है 2001 में क्या दिया जाता है, अशोक चक्र। तो कोई भी सशस्त्र बल से संबंधित पहली महिला ऐसी कौन है जो कि अशोक चक्र प्राप्त करती हैं, तो वह रहेंगी कमलेश कुमारी, ठीक है। चलिए ये नीरजा भानोट आप देख सकते हैं, 5 सितंबर 1986 का जो प्लेन रहा था आपका पैन एम फ्लाइट 73, इसके ऊपर मूवी बनी हुई नीरजा, शायद आपने देखी हो, काफी अच्छी है, सोनम कपूर ने वहां पर भूमिका निभाई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे आप लोग। ए आर रहमान की आत्मकथा नोट्स ऑफ ए ड्रीम पुस्तक के लेखक पूछे गए हैं आपसे। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन तो आपके सामने यही है याद रखने वाला कि नोट्स ऑफ ए ड्रीम जो है पुस्तक किसकी आत्मकथा है, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो आपका यही बन जाता है, नोट्स ऑफ ए ड्रीम पुस्तक जो है किसकी ऑटोबायोग्राफी है। तो 2018 में आपकी बायोग्राफी आती है, और इसके हम बात करें तो लेखक जो रहते हैं कृष्ण त्रिलोक जी रहते हैं, तो ऑप्शन ए पर आपके दिए गए हैं, जैसा कि आप लोग का आंसर आ रहा है यहाँ पर ऑप्शन ए, सुशांत गलत हो जाएगा, क्योंकि सुशांत निनान अगर इनकी हम बात करें तो आपके माइंड मास्टर के लेखक रहेंगे ये। माइंड मास्टर किसकी है अब ये आप लोगों को बताना, एक और क्वेश्चन हो गया अभी आपके लिए। चलिए इसका आंसर हो गया हमारा कृष्णा तिलोक 2018। अब बात करेंगे सुशांत निनन के बारे में, तो इनके द्वारा भी एक पुस्तक लिखी गई है भाई, सह ऑथर के रूप में रहेंगे। माइंड मास्टर किसकी होगी, माइंड मास्टर ऑटोबायोग्राफी किसकी हो सकती है, माइंड मास्टर। तो भाई आपके जो हमारे भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बनते हैं और राजीव गांधी के लिए तो पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति रहते हैं वो, इनको 1991-92 का जो है राजीव गांधी पुरस्कार दिया जाता है, विश्वनाथन आनंद, बिल्कुल सागर, कौन रहते हैं विश्वनाथन आनंद, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है माइंड मास्टर, सुशांत निनान जो है उसके लेखक होंगे, ठीक है। चलिए भाई ड्रीम इलेवन के सीईओ बताएंगे आप लोग। अब देखिए पिछले वर्ष हमने देखा था आईपीएल में आपका टाइटल स्पॉन्सर रहा था, और इसका एक क्वेश्चन पूछा गया रेलवे एनटीपीसी में कि ड्रीम इलेवन के सीईओ कौन है। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और 2008 में इसकी स्थापना होती है, कौन होंगे इसके सीईओ वो आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई सीईओ ऑफ ड्रीम इलेवन की अगर हम बात करें तो वो रहेंगे आपके हर्ष जैन, बिल्कुल ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। दीपेंद्र गोयल से संबंधित है, दीपेंद्र गोयल जो है आपका जोमेटो वाले हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा हर्ष जैन, ठीक है। और ऐसे ड्रीम इलेवन के चक्कर में ना ही पढ़ने तो आप बेहतर रहेगा, अपने ड्रीम पर काम करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 आंसर करेंगे आप लोग यहाँ पर 28 का। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला पूछी जा रही है आपसे, यानी कोई भी पहली ऐसी महिला कौन थी जो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज जो है प्राप्त करती है, बताइए आंसर। क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में आपका, ये चलिए भाई क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 28 का। तो भाई सी अगर आपका आ रहा है यहां पर तो बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा,
अगर सी आ रहा है, एलिनार ओस्ट्रोम कहां की, अमेरिका के, भाई 2009 में इनको मिलता है। 2009 में आपका इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला होती हैं। अच्छा, जो इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार है शुरुआत से नहीं दिया जा रहा है, इसकी स्थापना भी अगर हम बात करें 1968 में होती है, स्वीडिश के बैंक के द्वारा इसको आपका स्थापित करा जाता है मुख्य रूप से। तो एलिनार ओस्ट्रोम पहली महिला हो गई, और पहला इकोनॉमिक अवार्ड की अगर हम बात करें कब से स्टार्ट किया गया है, 1968 में। अर्थशास्त्र का जो आपका नोबेल पुरस्कार है 1968 में जो है स्थापित होता है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए पहले भारतीय कौन होते हैं इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले, हम नोबेल पुरस्कार की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो रविंद्रनाथ टैगोर आंसर हो जाएगा, हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय, बताएंगे आप लोग भाई। सो पहले भारतीय बनते हैं 1998 में आपके अमर्त्य सेन जी। अमर्त्य सेन पहले ऐसे भारतीय होते हैं जो कि आपका इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार उनको मिलता है। ठीक है, सो ऑप्शन हो गया हमारा यहाँ पर सी करेक्ट, एलिनार ओस्ट्रोम, इनको मिलता है 2009 में, और 2009 में शांति का पुरस्कार मिलता है यूएस के प्रेसिडेंट रहे आपके 44 पे बराक ओबामा जी को। ठीक है, चलिए 29 सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन कई बार कंफ्यूजन ऑप्शन जो है कंफ्यूज कर देते हैं। अब ये ऑप्शन आपके एज इट इज एग्जाम में आए हुए हैं, इस प्रकार के काफी कंफ्यूजन कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन रहेंगे आपके। तो गुलाम वंश जो है, जिसको मामलुक दास वंश भी कहा जाता है, मामलुक वंश भी कहा जाता है इसको, इसका अंतिम शासक कौन था? और भाई एक बार सेशन को लाइक कर दें जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं अभी। सो क्वेश्चन नंबर 21 कहता है आपसे, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ सिलेब डायनेस्टी, यानी गुलाम वंश जो था आपका उसका अंतिम शासक पूछा जा रहा है आपसे। तो 1290 में ही आपका ये बनता है, 1290 में कुछ समय तक शासन करता है, एक आपका 11वें सुल्तान के रूप में बन जाता है आपका गुलाम वंश के। चलिए क्या आ रहा है आंसर, देखिए कैकाबाद और शमसुद्दीन दोनों ही ऑप्शन में, तब उस स्थिति में हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, आंसर हमारा यहाँ पर क्या बनेगा इस क्वेश्चन का, जो ऑप्शन सी पर दिया गया है शमसुद्दीन, याद रखिएगा एक कैकाबाद का पुत्र आता है, 11वां सुल्तान जो है बनता है, क्या बनता है, 11वां सुल्तान बनता है गुलाम वंश का। ये क्वेश्चन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि आपका मुइजुद्दीन कैकाबाद का पुत्र था शमसुद्दीन, कैकाबाद भी लिखकर आता है, शमसुद्दीन कैकाबाद भी लिखकर आ सकता है यहाँ पर, शमसुद्दीन आपको याद रखना है, ये आपका गुलाम वंश का अंतिम शासक है। एज इट इज यही ऑप्शन आए हैं, यही क्वेश्चन आपका एक परीक्षा में पूछा गया है, शमसुद्दीन हमारा आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिए इसके अलावा हम बात करें 1290 में फिर अब शासन कौन करेगा आपका 1320 तक, 1290 से 1320 तक कौन सा वंश शासन करेगा भाई, खिलजी वंश। ठीक है, खिलजी वंश शासन करेगा। क्वेश्चन नंबर 30 करंट अफेयर्स रिलेटेड है, टेनिस में मई 2021 में इटालियन ओपन हुआ था आपका, तो महिला एकल खिताब किसने जीता है, पुरुष एकल खिताब के बारे में बात कर चुके हैं, अगर आपको पता है तो उनका भी आंसर बताना है, पहले इसका उत्तर दीजिएगा। टेनिस में मई 2021 में इटालियन ओपन होता है अभी आपका टेनिस का, तो महिला एकल खिताब किसने जीता है, बिल्कुल भाई। सो क्वेश्चन नंबर करेंगे आप 30, और डेली सेशन में आप समय से जुड़ जाया करें, आपके अच्छे कुछ क्वेश्चन निकल जाते हैं, 8:15 AM पर क्लास स्टार्ट होती है, और आज भी अनअकैडमी का सेशन ऑफ रहेगा आपका, कल सुबह 10 बजे प्लस आपका कल 2-3 सेशन रहेंगे अनअकैडमी पर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 30 करिएगा भाई, टेनिस में मई 2021 में जो है आपका टेलिंग ओपन महिला एकल खिताब कौन जीतता है। देखिए चेक गणराज्य की जो कैरोलिना है उनको हराती है ईगा स्वियातेक, तो याद रखिएगा यहाँ पर ईगा स्वियातेक आपकी जो स्वियातेक है तो ये किस देश से संबंधित है, अगर आपसे पूछा जाए भी ईगा किस देश से संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, तो जब भी हम किसी खिलाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा उनके देश के बारे में भी देख लिया करें। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है, तो ईगा कहाँ की है भाई, पोलैंड की है, कहाँ की है ये, पोलैंड की है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर, जो ऑप्शन बी पर आपका दिया गया है इस क्वेश्चन का आपका आंसर करेक्ट बनेगा। ठीक है, पुरुषों में कौन जीतता है भाई, आपका राफेल नडाल जीतते हैं इसको। ठीक है, ये है ईगा एंड आपका राफेल नडाल यहाँ पर जीतते हैं इटालियन ओपन 2021, और वुमेन की बात करेंगे तो ईगा हो जाएगा इसका आंसर। वही ऑस्ट्रेलियन ओपन भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है, यहाँ पर नोवाक जोकोविच आपके विजेता रहते हैं सर्बिया के, और महिला की बात करेंगे नाओमी ओसाका जापान। 31 करेंगे आप लोग, 7 लेंसेस फ्रॉम एवरेस्ट नामक एक नई पुस्तक के लेखक कौन है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो इस पुस्तक का जो लेखक है इनका उद्देश्य रहता है कि कोविड राहत के लिए 1 करोड़ जुटाएं वो,
उन्होंने निर्णय लिया 1 करोड़ जुटाने का कोविड राहत के लिए इस पुस्तक के जरिए। सो आपको बताना है यहाँ पर 7 lenses फ्रॉम एवरेस्ट के लेखक कौन है, लेसन से माफ कीजिएगा मैं लेंस पढ़ रहा हूँ उसको, ठीक है। तो 7 lessons फ्रॉम एवरेस्ट की बात की जा रही है आप लोगों से, सभी आंसर दीजिएगा 7 lessons फ्रॉम एवरेस्ट के लेखक कौन होंगे भाई। तो याद रखिएगा यहाँ पर आइडेंस हो जाएगा आदित्य गुप्ता, किसके द्वारा लिखित रहेगी ये, आदित्य गुप्ता के द्वारा। सो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा यहाँ पर, इसके जरिए 1 करोड़ कोविड राहत के लिए जुटाने का निर्णय लिया था इस पुस्तक के जरिए। तो ये चीज भी याद रखनी है हमको, आदित्य गुप्ता के द्वारा लिखित है 7 lessons फ्रॉम एवरेस्ट। 32 करेंगे आप, जून 2021 में इसराइल के नए राष्ट्रपति के रूप में किसको चुना जाता है अभी, ऐसे करंट अफेयर पढ़ने होते हैं आपको एग्जाम दृष्टि से, ठीक है, ऐसे करंट अफेयर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। अब देखिए इजरायली राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिल सकता है आपको, ठीक है, चर्चा में भी रहा है इसराइल काफी इस बार। तो इसराइल की राजधानी, इसराइल की मुद्रा, कुछ भी पूछा जा सकता है। चलिए तो 32 की आंसर देंगे आप सभी, 32 का आंसर क्या होगा देखिए, अगर आपको ऑप्शन सी आता है यहाँ पर तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। बेंजामिन नेतान्याहू जो है आपके ये प्रधानमंत्री थे, ठीक है, कहाँ के, इसराइल के, राष्ट्रपति नहीं है ना थे। तो इसहाक हर्जोग जो है वहां के प्रेसिडेंट बनते हैं आपके जून 2021 में, इसराइल के 11वें राष्ट्रपति बनते हैं। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं आप लोगों से कि भाई वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल कौन होंगे, तब हमारा आंसर क्या होगा भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे दोनों ही, आपको याद रखने अच्छे से इस देश के बारे में। तो आपके नफ्ताली बेनेट हो जाएंगे वहां के जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, नफ्ताली बेनेट वहां के प्रधानमंत्री, जेरूशलम राजधानी, और इजरायली शेकेल वहां की मुद्रा हो जाएगी। तो यहां से चीजें पूछी जा सकती हैं आप लोगों से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 सिंपल सा है, पढ़ चुके हैं कई बार तो फटाफट से आंसर आ जाएगा आप लोगों का। किस विदेशी यात्री ने जर्नल ऑफ द मिशन टू द मुगल एम्पायर लिखा, करिएगा भाई। 33 कहता है आपसे कौन सा विदेशी यात्री रहा है जिसने जर्नल ऑफ द मिशन टू द मुगल एम्पायर जो है लिखा, बताइए आंसर। चलिए जल्दी से आंसर दीजिएगा, ज्यादा समय ले रहे हैं आप लोग, आंसर फटाफट करिएगा कमेंट में इसका। सो भाई राइट आंसर हमारा क्या होगा, जर्नल ऑफ द मिशन टू द मुगल एम्पायर 1636 में आती है भाई आपकी पुस्तक, अगर इसकी बात करें तो इसका राइट आंसर होगा सर थॉमस रो। ये भाई आपका किस मुगल शासक के दरबार में पहुंचता है, या भी आपसे पूछा जाता है, जहांगीर के दरबार में आता है ये, इसके दरबार में आता है, जहांगीर के दरबार में आता है आपका। चलिए क्वेश्चन भी पूछा गया था परीक्षा में आपका, दुनिया का एकमात्र देश है जिसका ध्वज वर्गाकार या आयताकार नहीं है, यानी कि भाई इस प्रकार का होता है हमारा, आयताकार की बात कर लें, ऐसा हमारा वर्गाकार जो ध्वज आपके होते हैं ज्यादातर, पूछा जा रहा है आप लोगों से यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो वो कौन सा देश है, श्रीलंका, नेपाल, चीन, पाकिस्तान। तो भाई याद रखिएगा इसका राइट आंसर हमारा नेपाल हो जाएगा, जो ऑप्शन हमारा डी पर दिया गया है, ठीक है, नेपाल इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन आपका डी पर दिया गया है। नेपाल का ध्वज कुछ इस प्रकार का है भाई, त्रिकोण आकार का रहेगा आपका, कुछ इस प्रकार का है, जिसको 1962 में अपनाया गया था, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर कौन है नेपाल के, एक बार बताएं आप लोग कमेंट करके फटाफट से, यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है। जब तक हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस आपका कब मनाते हैं, चलिए आंसर करेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे हम, ये क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछा गया था आपको, रेलवे एनटीपीसी में नेशनल टेक्नोलॉजी डे हम कब मनाते हैं, बताइए आंसर फटाफट से। तो अटल बिहारी वाजपेयी उस समय पीएम रहे थे, और वो घोषित करते हैं भाई 11 मई को आपका, ठीक है, 11 मई को आपका नेशनल टेक्नोलॉजी दिवस के रूप में मनाते हैं। कंप्यूटर दिवस हम मनाते हैं 2 दिसंबर को, याद रखिएगा। 4 जनवरी को कौन सा दिवस रहता है आपका, लुई ब्रेल दिवस हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर दिया है आपका 36, आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ कौन है, वो इज द सीईओ ऑफ आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है, बताइए आंसर,
आईसीसी नहीं आईसीआईसीआई बैंक, आईसीसी तो हो जाएगा आपका, ग्रेग बारक्ले उसके अध्यक्ष हैं। अब यहां पर आपसे क्या पूछा गया 36 के अंदर कि आईसीआईसीआई बैंक जो है जून 1994 में इसकी स्थापना होती है वडोदरा में, तो इसके सीईओ कौन है? कोचर नहीं है, कोचर पर तो आरोप लगा था भाई बहुत खतरनाक, तो कौन होंगे भाई इसके सीईओ? तो वो रहेंगे आपके संदीप बख्शी, ठीक है। तो ऑप्शन बी पर आपका दिया गया भाई। देखिए संदीप बख्शी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, 1994 में इसकी स्थापना होती है भाई। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 37, लखनऊ पैक्ट जो है समझौता किस वर्ष होता है? अब देखिए यहां से आपके दो से तीन क्वेश्चन देखने को हमें मिलते हैं, ठीक है। इससे संबंधित दो तीन क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, उनकी डिस्कशन करेंगे अभी हम। पहले आप लोग आंसर देंगे 37 का आंसर क्या होगा। चलिए लखनऊ समझौता किस वर्ष होता है? चलिए विशाल जी कह रहे हैं 1907, कंफ्यूजन के लिए ऑप्शन डी जरूर आएगा एग्जाम में। तो जो लखनऊ समझौता होता है, अगर हम बात करेंगे एक तरीके का अधिवेशन रहता है आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1916 में, पूछा जाता है इसकी अध्यक्षता किसने की है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। अब समझौता क्यों कह रहे हैं इसको, यहां पर आपका जो मुस्लिम लीग है वो आती है, गरम दल नरम दल जो 1907 में विभाजित हो जाते हैं, इसलिए कंफ्यूजन होती है। 1907 में आपका क्या होता है, कांग्रेस दो गुटों में बदल जाती है, गरम दल और नरम दल। गरम दल के प्रमुख नेता होते हैं आपके विपिन चंद्र पाल, नरम दल की अगर हम बात करेंगे तो गोपाल कृष्ण गोखले रहते हैं। तो ये 1907 में होता है, कहां पर? सूरत में अधिवेशन होता है। कहां पर? सूरत में अधिवेशन होता है, साथ में। कब होता है? 1907 में। अब देखिए कैसे याद रखेंगे, यहां पर दो तीन चीजें मैं आपको बता रहा हूं अपने तरीके से, अगर आपको ठीक लगती है तो उस प्रकार याद रखिएगा। तो 1907 में क्या होता है आपका, गरम और नरम दल में दो में बट जाते हैं, क्योंकि सभी को साथ क्या पसंद नहीं आया, साथ पसंद नहीं आया सूरत, ठीक है, साथ पसंद नहीं आया किसी को, एक दूसरे की सूरत पसंद नहीं आया, तो क्या नहीं आया भाई, रास नहीं आया। तो यहां पर कौन करता है, रास बिहारी घोष करते हैं अध्यक्षता। फिर क्या होता है भाई आपका, अंग्रेजों से आजादी चाहिए तो क्या होता है, सबको साथ में आना पड़ेगा। तो 1916 में होता है आपका क्या, लखनऊ अधिवेशन। अब क्या है, मजबूरी बन गई है भाई, गरम दल नरम दल मुस्लिम लीग सबकी मजबूरी क्या बन गई है, साथ आना। कब? 1916 में। तो कैसे याद रखेंगे, यहां पर क्या बन गई, मजबूरी। याद रखिएगा अंबिका चरण मजूमदार यहाँ की क्या करते हैं, अध्यक्षता, ठीक है, मजबूरी मजूमदार कनेक्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा, इससे होगा क्या, आप कभी भूलने वाले नहीं है। इन दोनों सेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं, किसने अध्यक्षता की, कहां पर सेशन हुए हैं आपके। चलिए फिर आगे बढ़ लेते हैं, आगे क्या बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं यहां पर, ठीक है। अब आपसे डायरेक्टली कल मुलाकात होगी भाई, कल मुलाकात होगी आपसे, कल मुलाकात होगी, कल आपका रीजनिंग का भी स्पेशल सेशन रहने वाले हैं अनअकैडमी पर सुबह 11 बजे, तो आप लोग जो है जरूर जुड़िएगा। बाकी चैनल को प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, अनअकैडमी का काफी बेहतरीन जो है आपके ऑफर चल रहे हैं, उसमें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस को एसपी स्टडी कोड के साथ, ठीक है। अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं अभी एसएससी का, तो उसमें 6 मंथ एडिशनल मिलता है आपको प्लस में, ठीक है। चलिए काफी बेहतरीन ऑफर चल रहा है आपका, अभी एनरोल कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस में, और कोड का इस्तेमाल करेंगे आप लोग सभी एसपी स्टडी का। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मुलाकात होगी आप लोगों से कल सुबह, ठीक है। बाकी अनअकैडमी पर कल ज्यादा सेशन रहेंगे तो फॉलो करके रखें आप लोग, आज का सेशन आपके ऑफ रहेगा अनअकैडमी पर 10 AM वाला, ठीक है। तो कल सुबह 8 बजे मुलाकात होगी आपसे, करंट अफेयर पढ़ेंगे हम सुबह थोड़ा सा, उसके बाद आपके अनअकैडमी पर सेशन होगा 10 बजे 11 बजे, तो उसमें भी आप लोगों को जुड़ना है। थैंक यू ऑल, सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें आप लोग, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है। लेट्स क्रैक सीईटी नाम से आपका टेलीग्राम चैनल है, आज उसको आप ऑफिशियली ज्वाइन कर लीजिएगा। जो लोग टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो वहां पर आपको क्लासेस की लिंक्स कल से और पीडीएफ मिलना शुरू हो जाएंगी, पीडीएफ आज से मिलना शुरू हो जाएंगी आपको, कल की क्लासेस की भी नहीं मिल पाई अभी। तो लेट्स क्रैक सीटी करके आपका टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप लोग जो है जुड़ जाइएगा, जो लोग नहीं जुड़े हैं, ठीक है। थैंक यू ऑल।